नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं चंद्रपाल सिंह, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम गेहूं की फसल में पीलापन के बारे में बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पीलापन किन कारणों से आता है और कैसे नियंत्रण करें। किसान भाइयों, आपसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना। किसान भाइयों, गेहूँ में पीलापन आने का सबसे मेन रीज़न इंसेक्ट का प्रकोप है, या बहुत से कारणों से गेहूँ में पीलापन आता है। जैसे आपने हर्बिसाइड का उपयोग किया हो, गेहूँ में उर्वरक शक्ति की कमी हो, या फिर आप अधिक समय तक आपके खेतों में नमी हो, इस कारण भी गेहूँ में पीलापन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने खेत में जाए और मॉनिटरिंग करें कि आपके खेत में पीलापन आने का क्या कारण है। आपके खेत में गेहूं के प्लांट को उखाड़ कर देखें कि इसमें यहाँ पर इंसेक्ट का प्रकोप है या जड़ों में फंगस का। किसान भाइयों, यहाँ जड़ों के आसपास इंसेक्ट का प्रकोप होता है, उसे मोह कीट के नाम से जाना जाता है, और इसके नियंत्रण के लिए और फंगस के नियंत्रण के लिए आप क्लोरोफायरीफॉस 50 EC आता है उसे, और फंगस के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजिम का कॉम्बिनेशन आता है। इन दोनों को साथ में मिलाकर, रेत में मिलाकर या DAP में मिलाकर खेतों में एक समान मात्रा में छिड़काव करें और ऊपर से पानी लगा दें। पानी लगाने के लगभग 4 या 5 दिन बाद आपके खेतों में आप NPK 18 18 18 का स्प्रे करें। NPK 18 18 18 में आपको सल्फर की मात्रा मिलेगी, जो कि आपके खेत में या गेहूं में सल्फर की कमी होगी या उसे पूर्ति करेगी। यदि किसान भाइयों, आपके स्प्रे से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, और किसान भाइयों, जो आपकी ये समस्या थी गेहूं पीलापन, ये समस्या हल हो जाएगी और आपके गेहूँ में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही साथ कल्लों का अधिक विकास होगा, इसके परिणाम स्वरूप आपका उत्पादन बढ़ेगा। सो किसान भाइयों, धन्यवाद। कैसी लगी हमारी जानकारी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए हम और भी वीडियो बनाएं। धन्यवाद। राम राम।